जी आई टी की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग सी एस एस की एक सीरीज देख रहे हैं और सी एस एस की सीरीज में आज हम लोगों को देखना है सी एस एस फॉन्ट के बारे में कि सी एस एस फॉन्ट क्या होता है और सी एस एस फॉन्ट हमारा कैसे वर्क करता है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले सी एस एस फॉन्ट प्रॉपर्टी के बारे में समझिए। नोट्स में भी आपको दे रखा है, यहाँ पर भी दिया गया है आपको। द सी एस एस फॉन्ट प्रॉपर्टी इज ए पोजिशनिंग प्रॉपर्टी। सर रेड है सर, ठीक है। इट क्या चीज सी एस एस फॉन्ट ही बता रहे हैं? अरे सही करो, ये है सी एस एस फॉन्ट। यहाँ देखिए ध्यान से, सी एस एस फॉन्ट प्रॉपर्टी यूज टू कंट्रोल द लुक ऑफ टेक्स्ट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टेक्स्ट के लुक को बदलना। By use the CSS font property, you can change the text size, text color and text style and many more. यानी font property का use करके आप text style, text color और text के size को change कर सकते हैं। You have already studied how to make text bold and underline. Bold कैसे किया था, under कैसे line किया था, ये सब हम लोग already से पढ़ चुके हैं। बी टैग से बोल्ड हो जाएगा और आई टैग से अंडरलाइन हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा, और यू टैग से अंडरलाइन हो जाएगा। हियर यू कैन आल्सो नो हाउ टू रिसाइज योर फॉन्ट यूजिंग परसेंटेज। यहाँ पे हमको ये समझना है कि परसेंटेज का यूज करके हम अपने फॉन्ट को कैसे रिसाइज कर सकते हैं। और इस टैग के कुछ मेन मेन एट्रीब्यूट आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला एट्रीब्यूट है सी एस एस फॉन्ट कलर। This property is used to change the color of text. जो टेक्स्ट का कलर, उसको बदलने के लिए CSS font color का इस्तेमाल किया जाता है। Second चीज, CSS font family. This property used to change the face of the font. जैसे बहुत सारे font होते हैं ना, यहाँ पे हम होम पे आ रहे हैं और ये सारे देखिए font. ठीक है, ये सारे क्या है? Font. हर font का लिखावट अलग अलग होता है, तो आपको कौन सा font लगाना है, इसी को बोलते हैं font face. फॉन्ट को ही फॉन्ट फेस के नाम से जाना जाता है। यानी ये सारे क्या है, ये सारे हम लोग कह सकते हैं सारे हमारे क्या है, फॉन्ट फेस है। तो दिस प्रॉपर्टी यूज टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ द सीएसएस फॉन्ट। फॉन्ट साइज क्या करेगा, साइज को कम और ज्यादा करने का काम करेगा। लेकिन सीएसएस फॉन्ट स्टाइल क्या करेगा, दिस प्रॉपर्टी यूज टू मेक द फॉन्ट बोल्ड इटैलिक और अप। ठीक है, तो ये बोल्ड इटैलिक और बाकी चीजों के लिए इस्तेमाल होगा। फॉन्ट वेरिएंट, दिस प्रॉपर्टी क्रिएट एन स्मॉल कैप्स इफेक्ट। अब स्मॉल कैप्स इफेक्ट क्या है कि प्रैक्टिकल मेनुओं को समझ में आएगा। और सीएसएस फॉन्ट वेट, दिस प्रॉपर्टी यूज टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द बोल्डनेस एंड लाइटनेस ऑफ द फॉन्ट। फॉन्ट का जो बोल्डनेस है और जो लाइटनेस है, उसको इंक्रीज डिक्रीज करने का काम करता है। तो टोटल छह प्रकार के यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल हम लोगों को देखने को मिलेगा। टोटल छह फॉन्ट टैग के छह एट्रीब्यूट है जो हम लोग को सीखना है यहाँ पर। सीएसएस फॉन्ट कलर, सीएसएस फॉन्ट फैमिली, सीएसएस फॉन्ट साइज, सीएसएस फॉन्ट स्टाइल, सीएसएस फॉन्ट वेरिएंट एंड सीएसएस फॉन्ट वेट। ये छह टॉपिक हम लोग को कवर करना है। तो सबसे पहला है सीएसएस फॉन्ट कलर। अच्छा, फॉन्ट का जो कलर है उसको भी तीन तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। बाय कलर नेम, कलर का नाम लिखकर, रेड ग्रीन ब्लू जो भी नाम देना है वो लिख सकते हैं। बाय हेक्साडेसिमल वैल्यू, जो उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पर देखिए दे रखा है, ठीक, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू। हेक्साडेसिमल में टोटल 16 डिजिट्स आते हैं। हेक्साडेसिमल, डेसिमल मतलब 10 और हेक्सा मतलब 6, टोटल कितने आते हैं? 16। 16 में कौन कौन से होते हैं? 16 में होते हैं 10 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक के कितने अक्षर हो गए? 10। 0 से 9 के बीच में कितने अक्षर आएंगे? 10। तो 10 तो ये डिजिट्स हो गए। फिर आपके आएंगे ए से लेकर ए बी सी डी ई और एफ, टोटल कितने हो गए? 6। तो 10 और 6 कितने हो गए? 16। इसीलिए इसका नाम रखा गया हेक्साडेसिमल। तो कहीं भी कलर कोड देखेंगे तो केवल इसी से कलर कोड मिलकर बनते हैं। देखो इसमें ए से एफ के बीच का अक्षर अल्फाबेट आ सकता है और 0 से 9 तक का डिजिट आ सकता है, इसके अलावा और कुछ आएगा नहीं। समझ में आया?
तो हेक्साडेसिमल कोड की तरह भी आप इसको कर सकते हैं इस्तेमाल। तीसरा है आरजीबी, आप उसका रेड ग्रीन और ब्लू वैल्यू भी निर्धारित करके कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। बचपन हम लोगों को आर्ट पढ़ने को मिलता था और आर्ट में हम लोगों को बहुत सारे कलर्स के बारे में जानकारी मिलती थी। हम लोग बचपन में ये पढ़े होंगे, कलर का पेपर वगैरह तो आप लोग दिए होंगे कि अगर रेड और येलो को मिला दिया जाता है तो ऑरेंज कलर बन जाता है, बनता है ना। रेड और ब्लू को मिलाओगे तो अलग कलर बनेगा, रेड ग्रीन को मिलाओगे तो अलग कलर बनेगा। तो ये उन्हीं कलरों को मिक्स करके कौन सा कलर बनाना है वो दिखाया गया कि रेड का कितना पार्ट, ग्रीन का कितना पार्ट और ब्लू का कितना पार्ट आप मिलाओगे तो कौन सा कलर आपका बनेगा, वही आपकी आरजीबी वैल्यू। तो तीन तरह के कलर सपोर्ट होते हैं, या तो कलर का डायरेक्ट आप नाम लिख दीजिए यहाँ पर जैसे दिया गया है, या तो कलर का हेक्साडेसिमल कोड लिख दीजिए, या तो उसकी आरजीबी वैल्यू दे दीजिए, उस हिसाब से कलर ये चेंज होते चले आए। यहाँ पे देखिए एक प्रोग्राम भी दिया गया है, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं आपको जिससे और बेहतर दिखाई दे। देखिए ये प्रोग्राम है, देखिए सबसे पहले इसमें क्या लगाया गया, एचटीएमएल टैग, फिर हेड लगाया गया है और फिर स्टाइल लगाया गया है। स्टाइल में हमने क्या कर दिया, बॉडी का हमने कर दिया फॉन्ट साइज 100%, ठीक है। अब बॉडी के भीतर जो कुछ लिखेंगे उसका सबका फॉन्ट कितना हो जाएगा, 100%। उसके बाद H1 हमारा क्या कर दिया, हमने H1 का कलर कर दिया रेड, H2 का कलर कर दिया हेक्साडेसिमल कोड डाल दिया, और RGB का कलर भी हमने RGB के फॉर्म में दिया 0, 220 और 98। इसका मतलब रेड का पार्ट कितना होगा, 0 रेड होगा ही नहीं। ग्रीन का पार्ट कितना होगा, 220, और ब्लू का पार्ट होगा 98। समझाया। अब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो कलर बनेगा वो कलर आपका यहां बनके तैयार हो जाएगा। हालांकि इतने ज्यादा कलर से हमको रटने की जरूरत नहीं होती है, जब हमको किसी कलर की जरूरत होती है तो उसको हम नेट पे सर्च करते हैं, और आजकल के जो एडवांस सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उसमें कलर पिकर टूल होता है, उस पिकर टूल के माध्यम से किसी भी कलर पे जाके उसके कलर को हम वहां से पिक कर सकते हैं। तो चलिए इसके प्रैक्टिकल देखते हैं हम लोग। सबसे पहले एक बॉडी टैग बनाना है, बॉडी के भीतर H1, H2 और P तीन चीजें बनानी है, H1 हेडिंग, H2 भी दूसरी हेडिंग और P मतलब पैराग्राफ। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने कोड एडिटर विंडो पर। सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड पर आते हैं, और कोड को ओपन करने के बाद हमें एक नई फाइल बनानी होगी, और इस फाइल का नाम देंगे css.font.color.html। तो ये कोड एडिटर हमारा ओपन हो चुका है, हम जस्ट न्यू फाइल को ओपन करेंगे। ठीक, थोड़ा सा यहां से अगर हम ड्रैग करेंगे ना तो यहाँ पे हमको ऑप्शन दिखाई देगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, फाइल पर आइए, न्यू टेक्स्ट फाइल ले लीजिए। देखिए ये न्यू टेक्स्ट फाइल एक खुला हुआ है, हम इसको पहले फाइल में आएंगे, सेव करेंगे। सेव करते समय हमें इसका नाम देना है, नाम दे देंगे CSS फॉन्ट कलर, हमने दे दिया CSS फॉन्ट कलर .html। ये हमारा बनके तैयार, वही पुराना काम, एक्सक्लामेशन मार लिखकर हम इंटर करेंगे, ये सब कुछ बनके रेडी। अब हमें क्या करना है, यहां पर भी हम डॉक्यूमेंट का जो टाइटल होगा ना यहाँ पे लिख देंगे CSS फॉन्ट कलर, ठीक है। अब पहले बॉडी के भीतर आते हैं, और देखिए कोड में क्या किया गया है, बॉडी में सबसे पहले आपको करना ये है कि हमें एक हेडिंग बनाना है, फिर एक दूसरी हेडिंग बनानी है, फिर एक पैराग्राफ H1, H2 और P, ये तीन चीज हमें बनाना है। तो चलो हमने यहां पर H1 लिखा, H1 के भीतर लिख दिया गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक। फिर एक हमने H2 बनाया, H2 हमने लिखा एक कंप्लीट कंप्यूटर
लर्निंग सेंटर। फिर उसके बाद हमने H3 बनाया, सॉरी पैराग्राफ हमने कर दिया यहां से पैराग्राफ। पैराग्राफ के भीतर हमने लिख दिया कॉन्टैक्ट नंबर, कंट्री कोड लगा दिया +91, कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया, ठीक इस तरीके से। अब इसको हमने किया फाइल में आके सेव। अभी ये नॉर्मल टेक्स्ट है, एक बार इसका आउटपुट चेक करते हैं कि जितनी चीज हमने लिखी वो यहाँ पर आया या नहीं। आउटपुट देखने के लिए हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले उस ड्राइव पर जाना है जहां पर हमारी फाइल सेव है। हमारी फाइल कहाँ पर सेव है? डी ड्राइव। चलो ये फाइल हमको यहीं पर दिख गई, हम इसको राइट क्लिक करेंगे और इसको हम ओपन विथ कर लेंगे क्रोम पर। ये हमको क्रोम पर आउटपुट दिखाई देगा इसका। क्रोम के अलावा कोई ब्राउजर सेलेक्ट कर सकते हैं आपकी इच्छा। ये टेक्स्ट हमारा आ रहा है। अब यहाँ पे हमें बाकी चीजों के बारे में समझना है, जो एक्स्ट्रा टैग थे मैंने बंद कर दिया। अब हमें क्या करना है, H1 बॉडी तो बना लिया, अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है, स्टाइल टैग के भीतर बॉडी को की फॉन्ट साइज कर देना 100%। देखिए इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो हम हेड सेक्शन में आते हैं और हेड सेक्शन में हम एक स्टाइल टैग लगाते हैं। ये हो गया हमारा स्टाइल टैग। स्टाइल टैग में क्या करना है, बॉडी को कर देना है फॉन्ट साइज 100%। तो हमने लिख दिया बॉडी BODY और इसका हमने फॉन्ट साइज कर दिया 100%। फाइल में आया और फाइल में आने के बाद हमने कर दिया इसको सेव। अब इसको हमें कर देना है रिफ्रेश, ठीक। अभी देखो कोई नहीं दिख रहा है इफेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी ये जिस फॉन्ट में था उस फॉन्ट को उठा रहा है। अच्छा, अब हमें इसके अंदर क्या करना है, सेकंड चीज H1 का कलर करना है रेड, तो हम यहाँ पे लगा देंगे H1। और यहाँ पे हमने कर दिया कलर, और कलर को हमने कर दिया रेड। ये H1 का कलर क्या हो गया, रेड। इसको फाइल में आए और फाइल में आने के बाद हमने इसको कर दिया सेव। अब देखिए H1 के भीतर जो लिखा गया है उसका कलर हो जाएगा कितना, ये हो गया रेड। इसी कलर को अगर हमें दूसरे तरीके से सेट करना है तो हम अब क्या करेंगे, अब H2 पर लगाएं, और H2 पर हमें कोई हेक्साडेसिमल कोड देना है, तो हमने कर दिया H2, ठीक। अब हमें कलर कोड तो याद है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, पहले कलर COLOR और फिर लगा देंगे कॉलम। अब कलर हमको नाम से नहीं करना है, हेक्साडेसिमल कोड पे करना है। याद होता नहीं किसी को, तो जनरली हम लोग सर्च कर लेते हैं HTML कलर कोड। ऐसे आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी साइट्स आपको दिखाई देंगी। आप किसी एक साइट को जाएं और वहां से अपनी पसंद का जो भी कलर आपको लगाना है वो कलर कोड आप यहाँ पे लगा दें। सबकी हेक्सा वैल्यू दे रखी, ये कलर है इसकी हेक्सा वैल्यू और उसकी RGB वैल्यू और HSL वैल्यू तीनों दे रखा है। यहाँ से स्लाइड करेंगे तो यहाँ आपका रेड ग्रीन ब्लू वैल्यू की वो बदलेगा। तो जो कलर आपको लगाना है आप यहाँ से उसको स्क्रॉल करेंगे तो देखो चेंज होता चला जाएगा, दिख रहा ना। तो जो आपको कलर लगाना है, जो कलर आपको चाहिए, जैसे मान लो मुझे ये कलर चाहिए, तो उसका हेक्साडेसिमल कोड हमको यहाँ पर मिल गया। अब इस कोड को हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके हम इस कोड को यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। कलर कोड किसी को याद नहीं होता, इसलिए कलर कोड याद करने की कोशिश मत करिए, ठीक है। और यहाँ पे लगा देंगे सेमी कॉलम। फाइल में आएंगे, करेंगे सेव। अब इसको करिए रिफ्रेश, तो H2 का कलर हमने चेंज किया था, तो देखो H2 का कलर यहाँ बदल जाएगा, चेंज हुआ ना। तो हेक्साडेसिमल के रूप में लगा सकते हैं, अच्छा RGB वैल्यू के रूप में लगा सकते हैं। चलिए हम कोई दूसरा कलर पकड़ते हैं, मान लो हमें कलर ये अच्छा लग रहा है, एज्यूम करिए, ठीक है कोई भी कलर एक ले लेते हैं इधर से,
चलो ये कलर हम ले लिया, इसकी आरजीबी वैल्यू ये दे रखी है, तो ये आरजीबी वैल्यू हम यहाँ पर लिख दें। इसको करिए हम कॉपी, और इसको हमें लगाना पैराग्राफ पर, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ का पीट है, कर्ली ब्रेसेज ओपन, कर्ली ब्रेसेज क्लोज, कलर कॉलन, ठीक। अब आपको लिखना है R, G एंड B, फिर ब्रैकेट को ओपन करना है और यही कोड पेस्ट कर देना है, R, G, B, ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड यही कलर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देखो ऑटोमेटिक कलर इसने टिक कर दिया, इसको कर देना फाइल में आके सेव, पेज को कर देना है एक बार रिफ्रेश, तो देखो नीचे वाला कलर ऑटोमेटिक चेंज हो गया, इफेक्ट दिख रहा ना तीनों कलर का। इस तरह से कलर आप चेंज कर सकते हैं, ये बाय नेम चेंज किया गया, ये हेक्साडेसिमल कोड से किया गया, और ये किया गया आपका आरजीबी वैल्यूज। तो सीएसएस फॉन्ट कलर का इन तीन तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग को सीएसएस फॉन्ट साइज देखना है, कौन सा मोनोस्पेस जेनरिक का ही तो फॉन्ट है, मोनोस्पेस जो लास्ट में इस्तेमाल हुआ जेनरिक का ही फॉन्ट है, बहुत सारे फॉन्ट्स हैं। हाँ देखो, अब इसके बाद हम लोग को देखना है सीएसएस फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज कितने तरह के हो, ये ध्यान दीजिए, फॉन्ट साइज आप स्मॉल रख सकते हैं, डबल एक्स स्मॉल, डबल एक्स स्मॉल रख सकते हैं, केवल एक्स स्मॉल रख सकते हैं, स्मॉल रख सकते हैं, स्मॉल मतलब छोटा, सिंगल एक्स स्मॉल है तो उससे छोटा, डबल एक्स स्मॉल है तो और छोटा, मीडियम मतलब मीडियम साइज, ये हो गया लार्ज, एक्स लार्ज मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा, डबल एक्स मतलब और बड़ा। अरे कपड़ा खरीदने जाते हो ना, एक्सएल डबल एक्सएल ट्रिपल एक्सएल करते रहते हो ना, वही कहानी यहां पर भी, स्मॉलर छोटा, लार्जर बड़ा, साइज आप पिक्सल आर परसेंटेज, साइज को पिक्सल में रख सकते हो परसेंटेज में। तो देखो इसकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे देखो दे रखा है, हम इसी में बता दे रहे, देखो एक पैराग्राफ टैग लगाया गया, ठीक, पैराग्राफ का एड का कंटेंट यहाँ पे लिख दिया गया, अब यहाँ पे लिख दिया स्टाइल इक्वल टू और फॉन्ट साइज करके एक्सेस स्मॉल कर दिया, यानी क्या है ये स्मॉल है, फिर ये देखो इसका फॉन्ट साइज स्मॉल किया गया, इसका फॉन्ट साइज मीडियम, इसका फॉन्ट साइज लार्ज, इसका एक्स्ट्रा लार्ज, इसका डबल एक्सएल, फिर स्मॉलर, फिर लार्जर, और इसको कर दिया गया 200%, और इसको कर दिया गया 20 पिक्सल, ठीक है। इस तरीके से भी आप रख सकते हैं, अब इसको अगर कॉपी पेस्ट करके देखना है, ये देखो ये हमने कर दिया यहां से कॉपी, रुको जो सिलेक्शन कर लेते हैं ना उसी से गड़बड़ा जाता मामला, और इसको हमने कर दिया बॉडी टैग में आके पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद हमने कर दिया इसको फाइल में आके सेव, और सेव करने के बाद हमने इसको कर दिया, तो ये सब अलग अलग फॉन्ट साइज, एक्स्ट्रा स्मॉल ये है, ये स्मॉल है, ये मीडियम है, ये लार्ज है, ये एक्स्ट्रा लार्ज है, ठीक, ये बहुत लार्ज है, फिर स्मॉलर है, ये लार्जर है, ये 200% है, और ये 20 पिक्सल का फॉन्ट। हाँ जैसे H1 H2 H3 था उसी तरह फॉन्ट साइज, हाँ चाहे आप हेडिंग का इस्तेमाल करके फॉन्ट को छोटा बड़ा कर लें, और बीच का कोई फॉन्ट आप चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, पिक्सल में दे सकते हैं, परसेंटेज में दे सकते हैं, लार्जर लिख सकते हैं, स्मॉल लिख सकते हैं, लार्ज लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा इसमें लगाया है सीएसएस फॉन्ट साइज बॉडी टाइप है, हाँ 100%। अच्छा रुको 100 को 200 कर देते हैं, देखो 100 को हमने कर दिया 200, देखना क्या इफेक्ट पड़ रहा है,
इसको फाइल मार्केट कर दिया सेव और पेज को कर दिया रिफ्रेश। ठीक है, अच्छा हाँ वो काम नहीं कर रहा है। जनरली यही होता है, बॉडी टेक्स्ट को कितना बड़ा करना है। रुको रुको हम बता रहे हैं, आप तो सारा काम करेगा। देखो बड़ा हो रहा कि नहीं, काम कर रहा है ना, कितना बड़ा बड़ा फंड हो गया। तो जो उसकी एक्चुअल साइज है 100% उतना ही रहेगा, 200% में जो उसकी एक्चुअल साइज है उससे डबल दिखेगा, 300 में तिगुना दिखेगा, और हमने जो है कर दिया 2000, यानी कितना 20 गुना दिखेगा। अगर कोई 1 सेंटीमीटर तो 20 सेंटीमीटर बड़ा दिखेगा, इसका ये मतलब। डी वाला, डी वाला चलो लैब में देख ले रहे हैं, डी वाला किसका नहीं काम।